शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भरमौर उपमंडल की राजकीय पाठशाला होली में प्राथमिक पाठशालाओं की खेल गतिविधियों में भाग ले रहे 399 लड़कों, 417 लड़कियों और उनके साथ लगभग 400 कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने के लिए उपायुक्त चंबा को निर्देश जारी किए हैं। ये विद्यार्थी और कर्मचारी सड़क मार्ग बंद होने के कारण होली में फंसे हैं। सुरेश भारद्वाज को खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थियों के अभिभावक से दूरभाष पर सूचना मिली थी कि होली क्षेत्र के लिए सड़क सुविधा अवरुद्ध होने के कारण प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थियों को कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने इसी के मद्देनजर उपायुक्त को ये निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उपायुक्त को प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थियों और स्टाफ के ठहरने और भोजन आदि के उचित प्रबंध करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने चंबा के शिक्षा उप निदेशक को निर्देश दिए हैं कि जब तक बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षित नहीं निकाला जाता है तब तक वे उनके साथ होली में रहें। इस वर्ष मॉनसून समाप्त हो रहा है लेकिन हिमाचल प्रदेश में 2-3 दिन से लगातार भारी बारिश जो है वो हो रही है, जिसके कारण प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में कुछ पर्यटक, आम नागरिक जो हैं वो बहुत परेशानी में आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने विशेष प्रबंध करके हेलीकॉप्टर मंगा करके काफ़ी बड़ी संख्या में जिंदगियां जो हैं वो बचाई हैं, उनको रेस्क्यू किया है। हमारे स्कूलों के टूर्नामेंट्स आजकल हो रहे हैं, जहां प्रारंभ नहीं हुए उन्हें सब बंद कर दिया गया है, लेकिन जिन स्थानों पर बच्चे पहुंच गए थे और समाप्ति की ओर था टूर्नामेंट, ऐसा एक चंबा में स्थान है जिसमें लगभग 1200 बच्चे एक स्थान पर बारिश के कारण जो है वो फंस गए हैं। आज सुबह डीसी चंबा से बात करके उनके रेस्क्यू के लिए और उनके जो है प्रॉपर जो है वो देखभाल हो सके इसके लिए उनको जो है निर्देश दिए गए हैं। हमारे विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं चंबा के, वो उन बच्चों के साथ ही हैं और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो बच्चों के सेफ रखने के लिए और उनके सब प्रकार का जो है वो प्रबंध जो है वो करें ताकि उनको जो है वो अपने अपने घरों में ठीक प्रकार से जो है पहुंचाया जा सके। ऐसे ही बहुत सारे प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जहाँ पर कहीं बच्चे स्कूलों को चले गए हैं अथवा टूर्नामेंट्स में हैं, उनके अध्यापकों को और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनका जो है विशेष ध्यान रख करके उन्हें अपने घरों तक पहुंचाएं।